गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना के संक्रमण को रोकने तथा मृत्यु दर न्यूनतम करने संबंधित बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड 19 निगरानी से संबंधित चिकित्सक एवं सभी पटल प्रभारियों की बैठक, कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रिजर्व पुलिस लाइन के परिसर में आयोजित हुआ 9 प्रशिक्षु आरक्षियों का पासिंग परेड, मार्च पास्ट की दी सलामी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर गृह सचिव ने बंधु मजदूरों की समस्याओं पर की चर्चा, उनके समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। गोरखपुर जिले में गुरुवार को पाए गए कुल नए 78 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2008। जिले में अब तक कोरोना संक्रमित 48 मरीजों का इलाज के दौरान हो चुकी है मौत, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। बकरीद और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए SSP ने गुरुवार को राजघाट और गोरखनाथ थाने का किया निरीक्षण, कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। बकरीद और रक्षाबंधन त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क, SPCT ने लोगों से की अपील, कहा लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहकर मनाए त्योहार। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए पवित्र धर्म स्थलों की मिट्टी और नदियों का जल लेकर विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के कार्यकर्ता हुए अयोध्या रवाना, भूमि पूजन में होंगे शामिल। कालीसर से तेनुआ टोल प्लाजा तक के ढाबों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने की चेकिंग, ढाबों की व्यवस्थाओं और भोजन की शुद्धता की जाँच, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। रिजर्व पुलिस लाइन के मेज सभागार में चौरी चौरा सर्किल के शेरनी दस्ते को दिया गया कैप्सूल प्रशिक्षण, पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाए रखने का बताया गया तरीका। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया स्वागत, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद, कहा बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता। और विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय डाक कर्मचारी संघ ने गुरुवार को प्रधान डाक घर पर किया प्रदर्शन, कर्मचारियों की कोविड जांच की मांग।